किसी ने मुझसे पूछा, सर आपकी उम्र कितनी है और आप कितने पैसे कमाते हो। अरे वाह, क्या बात है भाई, दो सवाल पूछे और दोनों में सिक्सर मार रहे हो। चलो भाई, पहले तो मैं आपको बताता हूँ पैसे की कीमत। तो देखो दोस्तों, पैसों की क्या वैल्यू होती है वो तो आप अब तक समझ ही गए होगे। कुछ तो आपको मोदी जी ने नोटबंदी में समझा दिया। आपने देखा था ना कैसे लोग बड़े बड़े बोरे में पैसे भर के गट्ठल बांधे कूड़े में फेंक रहे थे। और दूसरा आपको कोरोना ने बता दिया कि हम तो सिकंदर हैं भाई, पूरा देश खा चुके हैं। लगा लो कीमत क्या है आपकी जान की। अब बात करते हैं दोस्तों आपके पहले सवाल की कि मेरी उम्र कितनी है। भाई मैं इसका क्या जवाब दूँ। देखो जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अमर हूँ, क्योंकि आज कौन सा साल चल रहा है, 2021। मैडम अगर आप जिंदा, मैडम या भाई या बहन जो भी आप कोई हो, दोस्त अगर आप जीवित रहो तो 2060 में मेरा नाम एक बार सोशल मीडिया पर सर्च कर लीजिएगा। मैं आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं तब भी ज़िंदा हूँ, मैं आज भी ज़िंदा हूँ और आगे भी ज़िंदा रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और आपके तो सवाल पूछने का जो तरीका है ना थोड़ा गलत है। आपको सबसे पहले आदमी का नाम पूछना चाहिए और ये पूछना चाहिए सर कि ऐसी कौन सी वजह है जो मुझे आपका नाम पूछना पड़ रहा है। दोस्तों नाम को आपने बहुत हल्के में ले रखा है, नाम की वैल्यू को समझो। नाम बहुत बड़ी चीज़ है, अगर नाम की कोई वैल्यू ना होती ना तो आपका पैदा होते नामकरण ना होता। दोस्तों आपका जो नाम है ना ये आपकी पहचान है, अगर आपकी कोई पहचान नहीं है ना तो दोस्तों अपनी पहचान बनाओ, अपने नाम को एक वैल्यू दो ताकि आपके जाने के बाद भी ना लोग आपका नाम सर्च करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, समझे दोस्तों। क्योंकि ये जो धरती है ना इस पे जो है ना आदमी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने दिन पैदा हुआ, कब मरा, कितना बड़ा हुआ, है ना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उनके शब्द होते हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, इनकी वैल्यू होती है और इनकी वैल्यू हमेशा इतनी ही रहेगी, आप चाहे इसे किसी भी साल में सुन लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप जब भी कभी किसी का इंटरव्यू लो तो सबसे पहले उसका नाम पूछिए और उससे पूछिए कि सर ऐसा क्या रीज़न है जो आज मुझे आपका नाम पूछना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, और अपने अपने नाम की वैल्यू बनाओ, नाम बहुत कीमती चीज़ है इस धरती पर। धन्यवाद दोस्तों।